सुजावलपुर आभूषण कारोबारी हत्याकांड का खुलासा हो गया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक प्रभात कुमार की दुकान के सामने स्थित दर्जी दुकान के संचालक मोहम्मद सफी आलम चांद और उसके एक साथी मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि इन दोनों ने अपने स्वीकारोक्ति में बताया कि दर्जी दुकान में कुछ महीने पहले काम करने वाले अविनाश कुमार ने ही प्रभात को मारने का प्लान बनाया, उसने ही गोली भी मारी। अविनाश की तलाश जारी है। वहीं कांठी के छपरा हाई स्कूल के पास किसी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए बैरिया के कुणाल गोबर सही निवासी उत्कर्ष आनंद, मझौलिया के मोहम्मद विकी और रून्नीसैदपुर के विकास कुमार विकी को दबोच लिया गया। इन सभी के पास से पेन पिस्टल सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। इधर सिकंदरपुर ओपी पुलिस ने कई लूटकांड में शामिल रहे दादर निवासी भवानी शंकर को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक खोखा भी मिला। ओपी अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि काफी दिनों से यह फरार चल रहा था। सकरा थाना क्षेत्र में एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हो गई थी और मामला बड़ा सनसनीखेज हो गया था। इस मामले में एएसपी ईस्ट श्री अमितेश कुमार, सीआई सकरा, एसएचओ सकरा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने लगातार इन्वेस्टिगेशन किया और कई संदिग्धों को लगातार अरेस्ट करने की कोशिश की और पूछताछ की, और इसके बाद में पुलिस को ये सूचना मिली कि इसमें दो व्यक्ति जो कि घटना में शामिल थे उनको अरेस्ट किया गया और इनके पास से एक पिस्टल और अन्य जरूरी सामान बरामद किया गया। जब इनसे बाद में पूछताछ की गई तो इन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इसके अलावा उस क्षेत्र के कई अन्य मामलों में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार पुलिस को इस मामले का खुलासा करने में एक अहम सफलता मिली। क्या-क्या बरामद हुई इनके पास से? इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है और इसके अलावा एक बाइक बरामद हुई है। बाकी जो पिस्टल है उसका जो हत्या में इस्तेमाल किया गया था, बाकी अन्य इनके ग्रुप का पता लगा है। पतन पिस्टल सर मामला लूट का ही था क्या? इस मामले में ये एकदम साफ था। पूर्व में भी पुलिस के द्वारा इस बारे में कहा गया था कि ये लूट का मामला है और बाद में भी क्योंकि इसको एफआईआर 302 में कराया गया था, लेकिन अभी जो बयान आए हैं उससे ये लग रहा है कि लूट का मामला है। इसके अलावा काटी थाना क्षेत्र को और डीएसपी वेस्ट को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी काटी थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक बड़ी अपराध की योजना में शामिल होने वाले हैं। इस मामले में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, डीएसपी वेस्ट, काटी एसएचओ के साथ में और एसआईटी की टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान चार व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया जिनके पास से एक पेन पिस्टल और इसके अलावा चार देसी कट्टे और एवं बाइक बरामद की गई है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इसमें एक बड़ा हथियार सरगना जिसको पुलिस की कई कांडों में पहले तलाश थी और कई केसेस में जो हथियार सप्लाई कर चुका है उसको पुलिस ने अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। उसमें पेन पिस्टल पुलिस ने बरामद किया है और इसके अलावा चार हथियार बरामद किए गए हैं और कई अपराधियों के बारे में पुलिस को इस बारे में सूचना मिली है।